काशी में दीप जलाकर देव दीपावली का किया आगाज। गंगा नदी के दोनों किनारों पर जलाए गए 15 लाख दीप। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा काशी की ओर पूरे विश्व का पर्यटन देख रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगाई धारा 288, कहा न हम उस तरफ जाएंगे और न किसी को इधर आने देंगे। बॉर्डर पर तैनात है भारी संख्या में सुरक्षा बल। सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन पर सीएम केजरीवाल ने की अपील। सभी कार्यकर्ताओं और विधायकों से किया आग्रह, कहा ठंड में मुसीबतें झेल रहे किसानों की दिल्ली के लोगों को खूब सेवा करनी चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भारी संख्या देखते हुए प्रशासन भी बहुत ज़्यादा मुस्तैद है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सेना की तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना आ सके। इसी को देखते हुए किसानों ने भी बैरिकेड के इस पार लिख दिया है धारा 288। इसका मतलब ये है कि किसान न उस पार जाएंगे न जवान इस पार आ सकते हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ कई राज्यों के हजारों किसान और किसान संगठन का प्रदर्शन जारी है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान लगातार आंदोलन छेड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसानों ने अपना विरोध दर्ज करने के लिए एक नया तरीका निकाला है, जिसमें किसानों ने बॉर्डर पर एक बैनर और जमीन पर धारा 288 लिख दिया है। किसानों की ओर से धारा 288 लगाकर किसानों का कहना है कि ना हम उस तरफ जाएंगे और ना किसी को इधर आने देंगे। हमारे नियम कायदों का भी सम्मान किया जाना चाहिए जिससे शांति बनी रहे। दरअसल किसानों का मानना है कि वो पुलिस के साथ शांति व्यवहार बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से धारा 144 नहीं लगाई गई है, लेकिन किसानों ने धारा 288 लगा दी है। दरअसल केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं। इसके खिलाफ किसानों का ये आंदोलन छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है और किसान अड़िग हैं कि उनकी शर्तें मानी जाए और वो बिना सरकार की किसी शर्त के अपनी डिमांड पूरी करवाना चाहते हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है और उनकी आगे की क्या रणनीति है, उन्होंने आईएनएस के साथ कुछ बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। अभी तो यही रहेंगे हम, 3 तारीख में प्लान अपने बनाएंगे। अच्छा, तो अभी सुनाई दे रहा है की और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती फिर आगे का स्टेप क्या होगा, क्योंकि वो तो कंडीशनल टॉक के लिए कह रहे हैं। और आगे का क्या पता, किससे पता आगे का, अगर आगे का पता होता तो मैं तो पंडित जी बन जाता, बुझा दिया करता। सरकार किसकी बनेगी, 3 तारीख में बताएंगे हम सरकार का क्या स्टैंड होगा, उसी के बाद में हम स्टैंड लेंगे। अच्छा, नहीं सरकार पहले भी कह रही कि हम पहले भी बातचीत कर सकते हैं। बातचीत नहीं, जब सरकार ये कह रही कि हम इसमें संशोधन नहीं करेंगे और ये बिल बहुत बढ़िया है, तो बातचीत का ही मतलब क्या रहेगा। कोरोना का कहर दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इसके लिए दिल्ली सरकार कई तरह के कदम भी उठा रही है, लेकिन इस बीच किसान आंदोलन में जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से ढिलाई बरती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, इससे हालात बेकाबू हो सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट, किस प्रकार से यहाँ पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। देश भर में कोरोना तेजी से फैल रहा है और दिल्ली में तो आंकड़े जिस तरह से पिछले दिनों बढ़े वो काफी चिंताजनक है। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की तादाद में जमा किसान कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कोरोना का कहर तो देश में अब भी बरकरार है, लेकिन इस बीच किसान आंदोलन चल रहा है और हमने जहां जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ते हुए देखा है। कोई भी यहां पर मास्क लगाता हुआ नजर नहीं आया, किसी प्रकार की कोई सैनिटाइजेशन तो आप भूल ही जाएं। यहां पर लोग ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग चुका है कि कोरोना वायरस जा चुका है, किसी भी तरह की कोई भी प्रिकॉशन यहां पर किसान लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों से जब पूछा गया तो किसान बोले हमारी विल पावर मजबूत है, हमें कुछ नहीं होगा। ठंड के दिन है, जुकाम खांसी सभी को हो रहा है, ये कोरोना है या कुछ और ये तो किसी को भी नहीं पता। हमने अपनी जांच कराई लेकिन किसी को कोरोना नहीं है। प्रिकॉशन तो ले रहे हैं लेकिन हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और हर तरह से हम मजबूत हैं, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रही ना हमारी नॉलेज में, हमें कोई आज तक कोरोना का पेशेंट मिला ना हमने देखा। इसलिए कोरोना अब तो सर्दी चल रही थी, जुकाम नजले सबको हो रहे, अब कोरोना है या सर्दी जुकाम है, क्या है, खांसी है, इसका पता तो सरकार को भी नहीं अभी क्लियर, क्योंकि इसकी वैक्सीन नहीं आई कोई। थैंक यू सर। हमने ना लग रहा कोरोना, सरकार ने बेवकूफ़ बना रखा इस देश का कोरोना के चक्कर में। यहाँ सारे नहीं फिरे हैं ना, हार मारे तो यूनियन के किसी आदमी का हमने सुना नहीं, आज लोग कोरोना हुआ बिना मास्क के नहीं रहे।
मुजफ्फरनगर से आए हैं। कोरोना के केसेस नहीं है? अजी रह जाओ, हमारे हमने तो गाँव में की एक केबिन देखा कोरोना, खांसी जुकाम हुआ और वहाँ भेज दिया। हमने अपनी जांच भी करवाई, उसमें भी नहीं आया हमारे कोरोना, सरकारी जांच करवाई। लोग फिर मर रहे हैं, वो क्या है? वाह, हमने तो पता नहीं, बता सरकार ने पता, पर मारे हक्का कस्बे जानसठ का एक गया, वो न्यू करा 2 रुपए की गोली नहीं दी और 14 दिन की बजाय 7 दिन रख के घर भेज दिया, कुछ भी ना उसके पैसे कमा रहे हैं अधिकारी, माल मार रहे हैं और कुछ नहीं कोरोना। लेकिन इन सबके बीच कुछ किसान ऐसे भी थे जो कोरोना को लेकर जागरूक नजर आए और माना कि कोरोना से बचने के लिए मास्क है जरूरी। कोरोना है, बाकी कोरोना है, इनको मास्क लाना चाहिए, बहुत खतरनाक बीमारी है, भयंकर बीमारी है, इससे बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है मास्क। यहाँ पे ज्यादा लोग तो लगाए हुए नजर नहीं, नहीं उनको पता तो नहीं ना, इसलिए मुजफ्फरनगर से जी नगर अध्यक्ष हूँ मैं। ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है जब तक हम टिके रहेंगे। आप जैसे बुजुर्ग हैं, लोगों को समझा क्यों नहीं रहे कि यहाँ पे कोरोना नहीं है? अब उधर आप खड़े, जब भी मैंने बोला इनको मगा भाई मास्क लगाओ, तो लगाया कुछ नहीं। बाकी अब ये तो मजाक मानते हैं चीज़ को, नुके किसान और कोरोना दोनों एक एक मिली जुली जाती है, किसान और कोरोना, कैसा किसान कैसा कोरोना, नुके जिसका चिपट जाए उतरते ही नहीं, बाकी कहां तक करें। ऐसे में सवाल ये कि सिंघू बॉर्डर पर तो कोरोना की जांच के लिए कैंप लगा दिया गया, लेकिन गाजीपुर में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि आंदोलन कर रहे किसानों की दिल्ली वालों को पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। गुरुपर्व पर उन्होंने ये मैसेज दिया है और ये संदेश देते हुए कहा है कि दिल्ली के लोग जो किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं, इस ठंडी में आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जिस प्रकार से मदद हो सके हर किसी को, ये मदद उन तक पहुँचानी चाहिए। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल पांचवें दिन भी जारी। किसानों का प्रदर्शन को देखते हुए कई पार्टियों के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और आसपास के लोग किसानों की सेवा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों से प्रदर्शनकारी किसानों की मदद करने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी MLA, सभी लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। मैंने सभी को बोला है कि वो पूरी तरह से उनके खाने के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनको जिस तरह की भी से पानी का, टॉयलेट का जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करें। इस मौके पे, आज गुरुपर्व के मौके पे, मैं सभी दिल्ली वासियों से भी अपील करता हूँ कि हमारे बॉर्डर के ऊपर जो किसान आए हुए हैं, आपकी जो भी आपसे बन पड़ता है आप उनकी पूरी तरह से सेवा कीजिए। ये किसान हमारे किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं, और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है। तो हमें पूरे तन मन धन से अपने किसानों की सेवा करनी है। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा सिंघू बॉर्डर किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर कहा कि आम आदमी पार्टी किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने का काम कर रही है। कंबल से लेकर लंगर और मेडिकल सुविधाएं तक किसानों तक पहुँचाई जा रही है, और साथ ही कहा कि सरकार को बिना किसी शर्त किसानों से संवाद करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश अनुसार हम यहाँ कर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि तमाम बुनियादी सुविधाएं देश के किसान को यहाँ पर पहुँचाई जाएं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यहाँ वाटर टैंकर लगाकर पानी की व्यवस्था किसान के लिए बनाई है। वाटर टैंकर्स के पीछे हमने अपनी एम्बुलेंस और डॉक्टर्स को तैनात किया है ताकि बेसिक मेडिसिन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीमीटर की जाँच हो सके। अभी हमने कुछ ही देर पहले यहाँ पर कंबल भी बांट दिए, क्योंकि देश का किसान, देश का ही इनकलाबी किसान आज इस ठंड की रात में सड़क पर सो रहा है, तो उसे कंबल पहुंचाई जाए। पीछे की तरफ हमने वहां पर शौचालय की व्यवस्था बनाई है, तो लंगर से लेकर कंबल तक हर व्यवस्था केजरीवाल सरकार एक सेवाधार की भूमिका में आते हुए देश के किसान के लिए मुहैया करा रही है। बिना किसी शर्त के ये संवाद होना चाहिए, बिना किसी शर्त के। ये नहीं कि आप पहले फलाने ग्राउंड में आओ, ढिमकाने ग्राउंड में आओ, आप इस मंत्री से मिलो, आप उस मंत्री से मिलो। केंद्र सरकार को इसे अहम की लड़ाई नहीं बनाने के लिए सीधा सीधा बिना किसी शर्त के संवाद करो, देश का किसान आपसे बात करेगा और उसकी मांगों को स्वीकार करेगा। बता दें केजरीवाल सरकार पहले दिन से ही किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है और लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को किसानों से जल्द
बात करनी चाहिए। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की उस मांग को भी नकार दिया था जिसमें दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से दिल्ली की 9 स्टेडियमों को अस्थायी जेल बनाने की मांग की थी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।